एडवाइस ये है, मैं बहुत पैट्रियोटिक हूँ चलो, लेकिन मैं मेरे खुद की एडवाइस ये है सबको कि जो पाकिस्तानी अच्छे घरों से है, पैसा उनके पास है, आज के आज निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पे आपका कोई मुस्तकबिल नहीं, यहाँ पे सिर्फ सियासत है और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कि आज हमें हमें पाकिस्तान प्यारा है, पाकिस्तान को हम प्यारा नहीं है। महवेश आपको सिर्फ धरनों में औरतों का जुर्म नजर आ रहा है, ये औरतों को जो रोज रेप किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में हमारी नर्सों की लाशें हैंग हुई मिल रही है, डॉक्टर कमरों से मरी मिल रही हैं, तो आप दे क्या दे। ने 2 महीने पहले ही बकराईद मनाना शुरू कर दी है। हाँ जी, वो आपने टेंशन ही नहीं ली, उन्होंने किसको कहाँ काट रहे हैं वो उनकी प्लानिंग है। अब हम अपना काम करते हैं कि मुल्क की हालात किस तरह जा रहे हैं, मुल्क की हालात किस तरह जा रहे हैं कि जो शरीफ बंदा है ना वो चोर डाकू बन गया है। वो जिसको पकड़ो भाई तू लूट रहा है, वो रोने लग जाता है, निकाब उतार के रोता है, बंदा कहता है यार मैं इसको अपनी जेब से निकाल के दे दूँ। अब तक सर्च ऑपरेशन जारी है, अगर इस तरह जिनको हम पैसे देते हैं, जितने वर्दी वाले हैं हमारे पैसों से चल रहे हैं, अगर उनको परवाह ही नहीं है हमारी जानों की, कितने सर्च ऑपरेशन हुए हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए बताएं। पिशावर जैसे इतना बड़ा मस्जिद में हमला हुआ, कोई अपडेट आई है, कोई दहशतगर्द पकड़ा गया? कि अगर वो कहते हैं गर्मी बड़ी है एसी में बैठे हैं, आवाम का क्या है, इतने पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, डेंजरस लेवल तक हमारी जो है पॉपुलेशन, हम कहते हैं एसी के मजे लो यार, करते रहे हैं ये मुल्क गुर्बत हम लोग खत्म इतनी हो है, जाएगी। गुर्बत इतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अच्छा है ना, 2 4 हमले और होंगे, मरेंगे कम होंगे, आबादी थोड़ी कम होगी तो शायद हाँ, स्टेबल हो जाए। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पर रोटी महंगी और जान बड़ी सस्ती है। बताने की जरूरत नहीं है हम कौन है, हमारा पासपोर्ट सब बता देता है कि कितने महान कंट्री से ये लोग आए हैं, तभी तो हमारे लिए अलग लाइन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वी आर, तो हमारे लिए एक अलग लाइन उन्होंने बनाई होती है। जब हम मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, जिस मुल्क में कदम रखते हैं वो पासपोर्ट लेके आते हैं, मैम गलत लाइन में खड़ी होगी, आपकी लाइन वो है, आप बहुत स्पेशल हो। और फिर स्पेशल टीम आके हमसे, सही कह रहे हैं ना कि कर्मा तो मिलेगा आपको। और मैं ये कहती हूँ कि आप 75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके, अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते, इंडिया भी जब तक पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहा इंडिया तरक्की नहीं किया, इंडिया भी वही का वही जाम रहा। जब उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करके वो आगे बढ़े हैं तो आज उनकी इकोनॉमी 5th स्टैंड पे है। तो ये अवाम को सोचना चाहिए कि सियासतदान किसी के सगे नहीं होते हैं। आई और हम दिन रात, आप दिन रात काम करते थे लेकिन पैसे लूटने का काम करते थे, इसके अलावा आपने काम क्या किया? और ये कहते हैं कि खाते भी हैं लगाते भी हैं, क्या आपने लगाया? सारा का सारा तो आप लोगों ने खाया है। और ये फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इमरान खान को इस तरह से पकड़ने में, इनको क्या लगता था नून लीग के बस की बात है नहीं हुकूमत चलाना, ये आप एग्री कर रही है ना? इनसे इकोनॉमी चल रही है ना, इनसे बाहर इंटरनेशनल अफेयर हैंडल हो रहे हैं, इंडिया जाके आए वो कितना बड़े इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी उनकी हमारे साथ, ये अभी जब गए थे। आज ही अपने एक फ्रेंड को कह रही थी कि मैंने कहता है नया पाकिस्तान बनेगा, मैंने कहा यार नया पाकिस्तान तो सुना था, लेकिन मैंने साथ में ये भी सुनी है कहावत कि कौवा चला हंस की चाल है, कि अगर बात की जाए तो आपके सामने है पीटीआई के सपोर्टर्स ने इस वक्त मुल्क का क्या हाल कर दिया। कुछ रोज पहले जी की बात है, इमरान खान जी अरेस्ट हुए थे और अब विद इन 3 डेज अवाम ने इतनी जद्दोजहद के बाद उनको बाहर निकाल तो लिया, मगर सुनने में आ रहा है कि उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। इन तमाम सिनेरियोस को देखते हुए जहां इकोनॉमी का इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अदर देन दैट अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की तो वो 40% पे चली गई है, श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है और हर तरह से पाकिस्तान जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो रहा है। कहां देख रही है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को? मैं भी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सब कह रहे हैं कि पीटीआई पीटी, एक 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 कॉर्नर ऐसा है जिसको हमने मिस कर दिया, वो हमारी रियासत है, जो कुछ मुल्क में हुआ उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियासत ही जिम्मेदार है। ये जो सोए हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों में रह रहे हैं, ये वो जिम्मेदार हैं, पीटीआई के कारकुनान जिम्मेदार नहीं। उनकी दरिंदगी पे जरूर बात करेंगे, लेकिन देखिए रेंजर्स का पहली बात है अदालत में दाखिल होना और उनको जो है किडनेप करना, वहां से लेके जाना, अदालत के शीशे तोड़े जाना, ये तो रियासत ने भी कानून के खिलाफ वर्जी की है, तो रियासत पे भी सबसे पहले कार्रवाई हो, पर्चे कटे। मैं तो कहती हूँ पूरी हुकूमत को ही मुअत्तल हो जाना चाहिए। यहाँ पे कोई काम का बंदा आपको दिख रहा है? मुझे बताएं, एक बंदा काम का नहीं है। हर अब आज जो वजीर आजम का जो खिताब आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, मैंने आज अपनी सुबह के टाइम एक मैं छोटा सा नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें अपडेट देती हूँ, मैं बैठी, मैंने कहा यार 3 दिन मुल्क जला है, कुछ ऐसा आज से पहले मैंने नहीं देखा, तो कोई सेंसिबल बात होगी। वो बंदा
अपने पूरे जो वजीरों और मशीरों को बुला के नवाज शरीफ की बातें कर रहा है, हम मरियम की बातें कर रहा है कि हम मरियम को चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि मुझे तुम्हें देख के खुशी हुई, उसके बाद मेरे भाई और हम दिन रात, आप दिन रात काम करते थे लेकिन पैसे लूटने का काम करते थे, इसके अलावा आपने काम क्या किया? और ये कहते हैं कि खाते भी हैं लगाते भी हैं, क्या आपने लगाया? सारा का सारा तो आप लोगों ने खाया है। और ये फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इमरान खान को इस तरह से पकड़ने में, इनको क्या लगता था नून लीग के बस की बात है नहीं हुकूमत चलाना, ये आप एग्री कर रही है? ना इनसे इकोनॉमी चल रही है, ना इनसे बाहर इंटरनेशनल अफेयर हैंडल हो रहे हैं, इंडिया जाके आए वो कितना बड़े इन्होंने कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट कर दी उनकी हमारे साथ, ये अभी जब गए थे 12 सालों के बाद गए हैं, तो अगर गए भी थे तो फिर थोड़े तमीज का मुजाहरा आप कर लेते आगे। हाँ तो कह देते आके कि बस ठीक रहा, होप फॉर द बेस्ट, आगे भी इस तरह अटेंड होते रहेंगे, इतना वाह वाह करने की क्या जरूरत थी? खैर वो भी तो एक अलग इशू है, अब हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करना चाहेंगे। तो इनको ये लगा था, मुझे जो चाल इसके पीछे नजर आई थी इनको ये था कि अवाम तो हमें हुकूमत करने नहीं दे रही, कोई भी नहीं इनको हुकूमत करने दे रहा, जिस तरह से रोज प्राइजेस बढ़ा रहे, जिस तरह हमारा रुपया गिर रहा है, जिस तरह से हम कर्जे और IMF इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि अगर इमरान खान होता तो शायद IMF हमें कर्ज दे देता, लेकिन इमरान खान नहीं है तो उनको पता ही है, तो चोरों का टोला आके बैठा हुआ है। अगर हम ऐसी सियासी जमातें जो कि पिछले सालों में करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व रही हैं, उनके ऊपर दोबारा इंटरनेशनल बैंकों को ट्रस्ट करना, ये काफी एक प्रॉब्लम की बात है। लेकिन आप ये देखें, इनका ये था कि हम ऐसे हालात पैदा करेंगे, अवाम जो है पागल है इमरान खान के लिए, सिंपल सी बात है, बड़ी ही इमोशनल है। इनको था हालात खराब होंगे, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, ना हमारी हुकूमत रहेगी ना उसकी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये था। अच्छा शायद लेकिन वो हो गया। एक लाइन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इसमें बहुत सारे मीडिया ने भी कवरेज दिया कि इमरान खान की हुकूमत ना आने ने 3 दिन में वो काम कर दिया, इमरान खान के एक दफा अरेस्ट होने ने 2-3 दिन में वो काम कर दिया जो 75 साल में हिंदुस्तान ना कर सका। इस स्टेटमेंट को लेकर क्या फरमान है? देखिए इसमें तो हमने सबसे बड़ा जो किया है ना, खुद को एक्सपोज किया आर्मी को लेके, आर्मी की ही बुनियाद पर हम सामने वाले को डराते हैं, तुम्हें पता हमारी आर्मी ये है तो वो है, हम तो सरहदों पे जंग करने से रहे, तो हम के हेडक्वार्टर्स पे अटैक्स किए गए, मुसलसल अटैक्स किए, उससे अब लोग कहते हैं भाई किधर है तुम लोगों की नंबर वन आर्मी, तुम लोग तो उनके कंट्रोल में नहीं आए, तो दुश्मनों के तोपों का क्या वो मुकाबला करेंगे? इससे हमारी फोर्स की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और 75 साल में नहीं किया। देखिए इंडिया अगर अटैक करता पाकिस्तान पे तो बॉर्डर्स पे हमले होने थे, बॉर्डर्स पे 2 तरफा लड़ाई होनी थी, लेकिन कोई भी दूसरा देश पूरे मुल्क को नहीं जला सकता। तो अब पिशावर में पिशावर जला, लाहौर जला, इस्लामाबाद जला, क्वेटा जला, सियालकोट और फैसलाबाद, कोई ऐसा शहर नहीं जो ना जलाओ, तो उनकी बात तो ठीक है भाई, हम 75 सालों में ऐसी जंग नहीं कर सके जो पाकिस्तान ने खुद ही खाना जंगी में वो सब कुछ कर दिया। ठीक है, उनकी स्टेटमेंट राइट है, ऐसा ही शैला जी। और अभी अगर हम देखें इमरान खान को रिहाई तो मिल गई है, मगर अवाम अभी तक सुकून से नहीं बैठी। आप देखें कि आपका इंटरनेट हो या मेरा हो या किसी दूसरे तीसरे का, अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं किया गया, सिम के सिग्नल हर इलाके में नहीं आ रहे। और अदर देन दैट अगर बात की जाए हमारी ट्रैफिक की या हमारे जो है ना ऑनलाइन सिस्टम की, तो वो पूरे मुल्क में तमाम का तमाम रुका हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी कि न जाने कितने लाखों कारोबार ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में रुके हुए हैं सिर्फ इंटरनेट के बंद होने की वजह से। कितने फ्रीलांसर्स हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चे हैं जो बेचारे अपना काम नहीं कर पा रहे इस सब की वजह से। और 3 दिन अच्छा खासा लॉस है, इन ड्राइव ऊबर के जो ड्राइवर्स हैं वो बेचारे अपना काम नहीं कर पा रहे, जो पूरा दिन बेचारे सिर्फ ऑनलाइन अपना काम चला के, और हमारे जैसे जो बच्चे आउट ऑफ सिटी रह रहे थे और उनका आने जाने के लिए जरिया सिर्फ ऊबर था, उनके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि वो बेचारे आ जा कहीं नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद हैं, बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए हैं, 3 दिन से इतने लॉस में जा रहा है मुल्क। इमरान खान की रिहाई के बाद भी ये चीजें बहाल नहीं की थी, कहाँ देखनी आने वाली है, कब आएगा ये सब कुछ ठीक? इसमें भी मैं ये कहूंगी कि जो सियासी पार्टी है हमारी नून लीग, उन्हीं का ही हाथ है। देखें इमरान खान को रिहाई मिल गया, अभी भी कारकुनान के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, तो वो चाहते नहीं है कि हालात नॉर्मल हो।
अभी जब कोर्ट ने कह दिया कल से, अब तक अब पुलिस को हट जाना चाहिए था पीछे, हर चीज फ्री कर देनी चाहिए थी कि चलो मामला सेटल हो गया। अदालतों की तोहीन जिस तरह से हमारी हुकूमतें कर रही है, मैंने किसी मुल्क में ये चीज महविश नहीं देखी है। इतनी बेयकीनी अब होने लगी है कोर्ट पे, और ये जो बेयकीनी है ये सियासतदान कर रहे हैं, आईन के फैसले को बार बार चैलेंज करते हैं, कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं, अदालत को भी पॉलिटिक्स में घसीट के ले आए। ये बड़ी अफसोसनाक चीज है और ये बड़ी अलार्मिंग भी है कि अगर इसी तरह तीन जजेस का फैसला नहीं मानते, पांच का भी नहीं मानते और सात का भी नहीं मानते, इन्होंने वो फैसला माना जो इनके हक में हो। अभी आज भी देखिए तमाम पीटीआई के कारकुनान को मुसलसल अरेस्ट किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों के घर छापे मारे जा रहे जो कि गैर कानूनी है। पीटीआई ने ऐसा क्या कर दिया जो आप पूरी के पूरी जमात कितने लोगों को आप अरेस्ट करेंगे? इसके साथ साथ जो लोग तहरीक में शामिल हुए थे, जिन्होंने सरकारी कोई 15-16 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया, 36 या 45 से ज्यादा सरकारी जो गाड़ियां थी उनको जलाया, दफातर को जलाया, इसमें आप देखिए मुल्क में इंतशार फैला। क्यों? इससे पहले भी तो पीटीआई के लोग सड़कों पर निकलते रहे, उससे रेड जोन में वो जाके एक माह धरना देते रहे, तब तो पीटीआई ने कुछ नहीं किया, अब क्यों किया? जिस तरह से उनको दबोचा गया, कॉलर से फेंका गया, घसीटा गया, भाई लोगों का कायद है, और उसको कायद कहते हैं। मेरे लाख अख्तलाफात ही, मैंने पहले कहा मैं किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, मुझे नून लीग में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मुझे पीटीआई के साथ भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर कि वो जो लोगों के सामने आया उससे लोगों के अंदर गुस्सा आया, लोगों ने गुस्से में सारा कुछ किया। गुस्सा दिलाया किसने? रियासत ने दिलाया। अब उनको 14 साल की कैद हो रही है, आपको पता है वो नादरा ने उनको डिटेक्ट कर लिया क्योंकि वो इतने बेवकूफ हैं। एक तो वो हुकूमत की चीजों को नुकसान पहुंचा रहे, दूसरा टिकटॉक बना के खुद को हीरो बना रहे थे। अब 14 साल के हो गए। इमरान खान से उनको बताया गया कि जो लोग आपकी वजह से धरने दे रहे थे उनको हुकूमत ने 14 साल की कैद कर दी। वो कहते मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे तो खबर ही नहीं है, लोगों ने किया अपने तौर पर किया, मैंने तो नहीं किया, वो तो साफ हो गए। तो ये अवाम को सोचना चाहिए कि सियासतदान किसी के सगे नहीं होते हैं। आपको अगर एहतजाज करना है, अपने राइट्स की बात करनी है, पुरअम तरीके से करें कि आपकी बात भी सुनी जाए और कोई नुकसान भी ना हो। अब दहशत गर्दी के पर्चे पे कटेंगे, 14 साल गरीब माँ, उसका एक ही बेटा था, उसका घर कैसे चलेगा? महविश ना नवाज शरीफ इसकी जिम्मेदारी उठा रहा है और ना ही इमरान खान उठा रहे हैं। शायला जी, अगर 14 साल की कैद वाली बात मुमकिन हो जाती है जिस तरह आप बता रही हैं, तो मुझे बताएं आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो बाहर निकला हुआ था, क्या आधे से ज्यादा पाकिस्तान जेलों में बंद कर देंगे ये? खैर, पाकिस्तानी हुकूमत को अगर समझाना इतना आसान होता तो आज मुल्क यहाँ ना होता। मुझे बताएं इन सारे सिनेरियोस को लेके, मैंने कश्मीरियों से इंटरव्यू किया और मुझे सुनने को ये मिला कि कर्मा 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 ये हो रहा है कर्मा, तो आप इसके बारे में भी का पाकिस्तानी क्या कहेंगे? आज कश्मीरी धमाल डाल रहे हैं, आज वो खुश हैं, वो कहते हैं हमारे इन्होंने ज्यादती की, पथराव करवाए, इन्होंने जो है ना एहतजाज करवाए, हमारे लोगों पे जुल्म किया, यहाँ पे नेट बंद करवाया, 6 महीने इंटरनेट वहां बंद रहा, लॉकडाउन की सिचुएशन 8 महीने तक कश्मीर में रही, एक एक होने वाली चीज का जिम्मेदार वो पाकिस्तान को ठहराते हैं, और आज पाकिस्तान में ये सिविल वार देख के हर एक कश्मीरी खुश है, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, कश्मीरियों की जो बात है ना कि कर्मा वाली, वो बेसिकली हमारे लिए नहीं है, आवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो गवर्नमेंट को ही टारगेट करके कह रहे हैं। एग्जैक्टली, कुछ इदारे इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा कश्मीर में, क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म है उसकी जिंदा मिसालें मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे देखें, हम किसी चीज से डिनाई करें भी तो सबूत सामने है, वो बात फिर रिवर्स होके आ ही जाती है कि देखो आपने फलां झूठ बोला ये, तो क्योंकि इंटरनेट के जमाने है, आप झूठ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो वो जो कर्मा, आप ठीक कह रहे हैं कि आप मुल्क को बनाने की बजाय किसी दूसरे मुल्क को आप बर्बाद करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जो कि गलत चीज है। तो फिर आपकी आवाम ने आपकी हुकूमत का बांडा फोड़ दिया, तो वो सही कह रहे हैं ना कि कर्मा तो मिलेगा आपको। और मैं ये कहती हूँ कि आप 75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके, अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते, इंडिया भी, जब तक पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहा इंडिया तरक्की नहीं किया, इंडिया भी वही का वही जाम रहा। जब उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करके वो आगे बढ़े हैं, तो आज उनकी इकोनॉमी 5th स्टैंड पे है। तो बात ये कि उन चीजों में इन्वॉल्वमेंट करनी क्या हासिल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ ना। अगर वही हम अपनी फोर्सेस अपनी एजेंसीज को मुल्क में लगाए तो क्या पता 2 रुपए का हमें फायदा हो जाए। ऐसे ही अभी कुछ बरस पहले की पीएम मोदी जी की एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हुई थी, मैंने स्टेटस स्टोरीज हर जगह लगाई भी हुई थी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि
पाकिस्तान को उनके हाल पे छोड़ दो, ये मुल्क अपनी मौत खुद मरेगा, हमें तरक्की करनी है। और यकीन करें कि ये कुछ साल पहले की वीडियो है, आज वो दिन आ चुका जब उसी वीडियो को दोबारा सब लोग रिवाइंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो मोदी जी ने बात कही थी कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, ये वो वक्त आ चुका है और आप ये देखें क्या हालात चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसके बाद दुनिया के सामने हम खुद को पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करने से और ज्यादा घबराएंगे? ये तो कितने सालों से हो रहा है, आपने यूक्रेन में नहीं देखा कोई कह रहा है पाकिस्तानी इंडियन फ्लैग ले लेके ये बेचारे पहुंचे हैं पाकिस्तान और हमारी अपनी एम्बेसी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। ऊपर से जब शेलिंग और बॉम्ब गिर रहे थे तो तिरंगे ने ही बचाया था। और रशिया में अगर पाकिस्तानियों को वो आप बोलते हैं, आप पाकिस्तानी लैंग्वेज सेम है और हमारे जो नैन लैंग सेम है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो इंडिया से, हम कहते ओके ओके ठीक है डैट्स इट। इस तरह तो हम बाहर रह रहे हैं। तो ये बात कहना कि हम अब पाकिस्तानी कैसे कराए जाएंगे, लोग हमारे कर्जूते बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको पता है हम कितने काबिल, कितने महान, कितने हम समझदार लोग हैं, सब वाकिफ हैं। और दुनिया को हमने जितना कुछ दिया है ना, वो कैसे बुला सकते हैं आप बताएं, इतनी हमारी पूरी इंटरनेशनल मार्केट हमने कैप्चर की हुई है और इतनी हमारी प्रोडक्ट्स है, चाइना की इकोनॉमी हम चला रहे हैं, इंडिया को हम चला रहे हैं, अमेरिका कनाडा चल रही है, अभी अभी अर्थक्वेक से तुर्की को हमने ही बचाया था, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है हम कौन है, हमारा पासपोर्ट सब बता देता है कि कितने महान कंट्री से ये लोग आए हैं। तभी तो हमारे लिए अलग लाइन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वी आर, तो हमारे लिए एक अलग लाइन उन्होंने बनाई होती है जब हम मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं। जिस मुल्क में कदम रखते हैं वो पासपोर्ट लेके आते हैं, मैम गलत लाइन में खड़ी होगी, आपकी लाइन वो है, आप बहुत स्पेशल हो, और फिर स्पेशल टीम आके हमसे डील करती है। ऐसा ही है। शाइला जी मुझे एक बात बताएं, मुझे बहुत से इंडियंस के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप लोग अगर आज पीटीआई की के लिए खड़े होने के बजाय कुछ साल पहले दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होते तो आज आपका मुल्क यहाँ ना होता, अगर टेररिस्ट के टेररिज्म के अगेंस्ट आप लोग सड़कों पे निकले होते तो आज आपका मुल्क, आज पेशावर अटैक ना हो रहे होते, आज कराची अटैक ना हो रहे होते, आज क्वेटा के अंदर अटैक ना हो रहे होते। तो डू यू रियली थिंक कि उनकी स्टेटमेंट सही है? हाँ, उनके स्टेटमेंट ठीक है और वो एक बड़ी बाशूर बात कर रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी को लेके आपको हकूमत से जवाब तलब करना चाहिए, क्यों हो रहा है, लेकिन अब ये हो क्यों नहीं रहा, इसके पीछे भी वजह है। मैंने जब छोटी थी तब से बम धमाके सुने, हमारी एक चीज नॉर्मल हो गई है, अच्छा बॉम्ब ब्लास्ट हो, ओहो यार कितना अफसोस हुआ, हमें पता अगले दिन ये खबर नहीं चलनी है, वो खबर है वो नहीं चलनी है। अब आवाम के अंदर इतना वो आ गए, इन चीज़ों को इतने इजी ले रहे हैं, अभी बलूचिस्तान में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी हमारे शहीद बहुत से जवान शहीद हो गए हैं, पिशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अभी कलमा चौक में भी तो हुआ था, यू नो रात का वक्त था, कोई बच बचा हो गया कलमा चौक पे हुआ है। शैला जी बेशक रात का वक्त था, आपको पता है 8 लोग मारे गए और 290 जख्मी हुए हैं, 290 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये हमें आदत पड़ गई है, हम खबर सुनते हैं हम कहते हैं वो कितना अफसोस हुआ है ना, अगले दिन ना, जैसे मैं इम्प्रेस हो गई हूँ इंडिया के काम को देखे, पुंछ हमला हुआ है अब तक सर्च ऑपरेशन जारी है, अगर इस तरह जिनको हम पैसे देते हैं, जितने वर्दी वाले हैं हमारे पैसों से चल रहे हैं, अगर उनको परवाह ही नहीं है हमारी जानों की, कितने सर्च ऑपरेशन हुए हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए बताएं, पिशावर जैसे इतना बड़ा मस्जिद में हमला हुआ, कोई अपडेट आई है, कोई दहशतगर्द पकड़ा गया, किसी जगह सर्च ऑपरेशन हुआ है बताएं मुझे। चायला जी इंडिया में एक पुंछ अटैक हुआ था, जब तक उन्होंने वहां के लोकल रिहायशी तक पकड़ के सामने नहीं खड़े कर दिए, उनकी फौज और उनकी हुकूमत सुकून से नहीं बैठी, मगर यहाँ पे कलमा चौक पे भी कल हुआ है आपके सामने, उसके अलावा GHQ पे अटैक हुआ, कोई किसी चीज में कोई पूछने वाला नहीं है, तो इन सारी चीजों को लेकर हम कहाँ फ्यूचर देखेंगे? गर वो कहते हैं गर्मी बड़ी है, इसी में बैठे हैं, आवाम का क्या है, इतने पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, डेंजरस लेवल तक हमारी जो है पॉपुलेशन, हम कहते हैं इसी के मसले हो यार, करते रहे, गुर्बत इतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अच्छा है ना, 2-4 हमले और होंगे, मरेंगे कम होंगे, आबादी थोड़ी कम होगी तो शायद स्टेबल हो जाए। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पर रोटी महंगी और जान बड़ी सस्ती है, रोटी नहीं मिलेगी, इहतजाज होगा, जान चली जाएगी, लोग कहेंगे यार फिर की ये इन्हां ने केड़ा कटना है, बड़े दुनिया किनू किनू मारेंगे, ऐसा ही है। अच्छा शैला जी मुझे आखिरी बात एक और बताएं कि अभी करंटली पाकिस्तान में, मैंने पहले भी पूछा कि जो सिनेरियोस चल रहे हैं, हम लोग पहले ही इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा इकोनॉमी के क्राइसिस में घिरे हुए थे,
हमारा जैसे मैंने बात की इन्फ्लेशन हो, पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन तमाम चीजों में हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। हमने हर कंट्री को पीछे छोड़ दिया है, एशिया के टॉप मोस्ट कंट्री हम बन गए हैं। हमसे बड़ा लक बब किसी को नहीं मिल सकता। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि आप देखें डॉलर का जो रेट आज चल रहा है ना, वो पिछले इतने वर्षों में 300 से ऊपर चला गया डॉलर। और आगे हमारी बकरा ईद आ रही है, तो मुझे बताएं बकरा ईद पे मुझे लगता है हमें इंसान ही जिबा करने पड़ेंगे, बकरे तो नहीं मिलेंगे। नहीं, वो आपको करने की जरूरत नहीं, हुकूमत उसके लिए आपने बिठाए हुए 400-500 वजीर बिठाए हुए हैं। हुकूमत ने 2 महीने पहले ही बकरा ईद मनाना शुरू कर दी है। हाँ जी, वो आपने टेंशन नहीं लेनी, उन्होंने किसको कहाँ काट रहे हैं वो उनकी प्लानिंग है। अब हम अपना काम करते हैं कि मुल्क की हालात किस तरह जा रहे हैं। मुल्क की हालात इस तरह जा रहे हैं कि जो शरीफ बंदा है ना, वो चोर डाकू बन गया। वो जिसको पकड़ो भाई तू लूट रहा है, वो रोने लग जाता है, निकाब उतार के रोता है। बंदा कहता है यार मैं इसको अपनी जेब से निकाल के दे दूं, वो कहता है मेरे घर में बच्चे भूख से रो रहे हैं, मेरा आप रिकॉर्ड चेक करें, मैं एक शरीफ इंसान हूँ लेकिन बच्चों की भूख नहीं दे। आप किस किस को अरेस्ट करेंगे? पूरा मुल्क जो है इस वक्त लूट मार की जिद में आया हुआ है। कराची में देखे, लाहौर में सरेआम चोरियां हो रही हैं, गन हर एक के पास तो है, वो लूट रहा है। अपनी हिफाजत खुद करो। आपको रियासत दे क्या रही है? आपको रियासत ना जॉब दे रही है, आपको रियासत ना रोजगार दे रही है, ना आपको सिक्योरिटी दे रही है, किसी चीज का तहफ्फुज़ नहीं है। हम एक ऐसे जजीरे में रहते हैं, नॉट अ कंट्री, एक ऐसे जजीरे में रहते हैं जिसमें अपना बचाव खुद है। अगर कोई बड़ा जानवर आके आपको खा लिया तो उसमें उस जानवर का कसूर नहीं है, वो कसूर आपका है कि आप उसके साइड पे क्यों गई हो। आपकी कोई चीज चोरी हो जाती है, आपके घर को कोई लूट जाता है, ये गारंटी लिखवा ले। मैं कहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, 200 डकैतियों में से कोई दो चोर भी नहीं पकड़े गए। सही है। और शायला जी, अभी जो धरनों की प्रोटेस्ट की सारी सिचुएशन चल रही थी, उसके अंदर लिटरली मैंने ये मौलवी मौलाना के मुंह से ही ये बात सुनी कि उनका ये कहना है कि ये जो तमाम चीजें प्रोटेस्ट में खवातीन निकली हुई, अगर किसी से सवाल किया जाए हुकूमत से, अवाम से, किसी से भी, कि इन पे जुल्म क्यों हो रहा है, तो आगे से जवाब आता है कि निकली क्यों है, घर बैठे चुप करके। इनका निकलने का मकसद ही क्या है, ताल्लुक ही क्या है इनका निकलने से? तो आप ये देखो कि वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि इन पे कुछ हुआ है, जुल्म हो रहा है, नहीं हो रहा, इस बात को निग्लेक्ट करके इस बात पे फोकस किया जाता है कि औरतें हैं, निकली क्यों है। महवेश, आपको सिर्फ धरनों में औरतों का जुल्म नजर आ रहा है? ये औरतों को जो रोज रेप किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में हमारी नर्सों की लाशें हैंग हुई मिल रही है, डॉक्टर कमरों से मरी मिल रही हैं, तो आप दे क्या दे रहे हो यहाँ पे औरतों को? कुछ भी नहीं दे रहे। कितनी ज्यादा विमेन्स, मैं पिछले दिनों हमारी एक रिश्तेदार थी, उनसे मैं मिलने की, यकीन करें एमरजेंसी में, क्योंकि ये लेडी विलिंगटन जो है खवातीन के लिए, मेरे देखते देखते 10 लाशें कोई इमरजेंसी से निकली, बच्चों को बर्थ देते हुए इनकी डेथ की है। इतनी ज्यादा बच्चे पैदा करा रहे हो आप, और क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? उनकी हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है ऐसे कानून पास करवाना? हमारे आयन में, हमारे पार्लियामेंट में आज तक कोई ऐसा कानून बना ही नहीं है जिससे हमारे लिए फायदा, कोई ऐसी बात हो नहीं। वो ये हमेशा इस चीज पे बहस होती है कि हमने खुद को सिक्योर कैसा कर रहा है। खवातीन का जितना बुरा हाल हो